गुरुवार की सुबह थाना कोसीकला की पुलिस चौकी कोटवन क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेटर मथुरा के पास जंगलों में अपने ही खेत में नबीपुर गांव के रहने वाले प्रेम सिंह की बॉडी मृत अवस्था में मिली। प्रेम सिंह की बॉडी मिलने से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिवार सहित गांव के सैकड़ों लोग प्रेम सिंह की बॉडी के पास खेत पर पहुंच गए। गांव परिवार के लोगों का कहना था कि प्रेम सिंह का किसी के साथ कोई विवाद नहीं था जिससे उसकी हत्या होगी। गांव के लोगों ने प्रेम सिंह की बॉडी मिलने की सूचना थाना पुलिस को दे दी है। खेत में बॉडी मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक प्रेम सिंह की बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीण प्रेम सिंह की खेत में बॉडी मिलने की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मुआयना कर जानकारी देते हुए बताया। थाना आपका कोसी पड़ता है, चौकी कोटवन है, इसके अंतर्गत एक नबीपुर गांव पड़ता है। तो एक यहाँ के प्रेम सिंह सनाब भूपराम, इनकी उम्र लगभग 44 साल है, अपने खेत में जानवरों को बचाने के लिए आए थे। इनके खेत को जानवर चल रहे हैं तो इनकी सुबह संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है। परिजनों ने जब सुबह के देखा तो यहाँ लाश पाए तो किसी प्रकार की रंजिशा सामने नहीं आई है, न कोई जाहिरा चोट अभी इसमें प्रतीत हो रही है। शरीर में घटना पर हम लोग सभी उच्चाधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है, इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो पोस्टमार्टम में होगा विसम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है जैसे कि आपने देखा, मतलब प्रथम दृष्टिया? अब प्रथम दृष्टिया तो जाहिरा चोट न होने कारण कोई ऐसा हम लोग भी स्थिति में नहीं है कि हत्या है कि अपने खेत में स्वयं मृत्यु है। और यहाँ चूँकि नाला आदि आप सामने देख रहे हैं तो जहरीला कीड़ा भी हो सकता, कुछ नीलगू निशान टाइप के जरूर हैं कि उसके बता रहे हैं लोग उसमें जो आए हैं, तो उस हिसाब से अब स्थिति तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी।